कटनी सरकार के द्वारा जिले में किसानों के लिए एक धान खरीदी केंद्र उनके सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें कि किसानों की धान खरीदी अलग अलग खरीदों केंद्र को माध्यम से होती है, लेकिन प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों की निगरानी नहीं हो पा रही है। केंद्रों में चोरी, कमलतोल और कई प्रकार से समस्याएं सामने आती है। पिछले वर्ष में जो भी खरीदी केंद्र बनाए गए थे, कुछ केंद्रों पर कई घटनाएं बोरे चोरी के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में देश का अन्नदाता अपने आप को ठगा महसूस करता है, जिससे उसकी मेहनत की कमाई यूं ही चली जाती है। संबंधित अधिकारी भी किसानों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने से परहेज करते हैं। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को डाक के द्वारा काटी निवासी एक जिम्मेदार आम नागरिक हरिकेश कुमार चौधरी ने किसानों की समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर से खरीदी केंद्रों और वेयर हाउस में कैमरा लगवाने की मांग कर डाली, जिससे कि अन्नदाता किसान को इसका फायदा हो सके। गौरतलब है कि पूर्व में गेहूं की खरीदी में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते कई क्विंटल अनाज जिले में खराब हो गया था। मौसम को देखते हुए धान की खरीदी में जिला प्रशासन को समुचित व्यवस्था करना उचित होगा। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर काटे के हरकेश चौधरी के पत्र को संज्ञान में लेते हुए क्या व्यवस्था करते हैं, या यूं ही पिछले वर्ष की तरह धान खरीदी का कार्य जारी रहेगा। आज हम कलेक्टर महोदय जी के यहाँ गए थे, आज शनिवार होने के कारण आज कलेक्ट्रेट बंद है, पर हम पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में एवं आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए धान खरीदी केंद्रों में बियर हाउसों में CCTV कैमरा लगाए जाएं, जिससे धान खरीदी केंद्रों में जो किसान परेशान है, कहीं तौल कम, कहीं चोरी की घटनाएं होती हैं, तो ये रुक सकते हैं। इसके पहले कई जगह ऐसा घटना आई है कि चोरियां हुई हैं धान खरीदी केंद्रों में, इसलिए हम महोदय जी से आग्रह करेंगे कि इसमें संज्ञान में लें कि CCTV कैमरा जगह जगह लगाए जाएं, जिससे किसान हित में रहेगा। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।